हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नूर में। दोस्तों, ट्रेन में सफर करते हुए आपने ट्रेन के कोच के नीचे लगे इस तरह के स्प्रिंग को जरूर देखे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्प्रिंग क्या होते हैं, किस लिए होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इन्हें क्यों लगाया जाता है। सारी बातों को क्लियर करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, रेलवे ट्रैक की हाइट हर जगह एक समान नहीं होती है, यह कहीं ऊंचाई पर और कहीं ढाल पर होते हैं। साथ ही साथ इन्हें कई रेल को जोड़कर एक साथ बनाया जाता है, इसलिए जब ट्रेनें इस पर स्पीड में चलती हैं तो बोगी में लगे व्हील्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन जेनरेट करते हैं। ये वाइब्रेशन कोच के नीचे लगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट को डैमेज कर सकते हैं। इस वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए कोच के नीचे लगे बोगी में सस्पेंशन सिस्टम का यूज किया जाता है। दोस्तों, इस स्प्रिंग के पूरे सेट को बोगी का सस्पेंशन सिस्टम बोला जाता है। दोस्तों, बोगी में लगा सस्पेंशन सिस्टम दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम और सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम। दोस्तों, प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम हेलिकल स्प्रिंग के बने होते हैं जो कि व्हील के साथ ट्रेन के पूरे स्ट्रक्चर के वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं और सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम कोच में वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं। यह यात्रियों के कंफर्ट के लिए लगाए जाते हैं। दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवे में दो टाइप के कोच यूज किए जाते हैं, ICF और LHB। दोस्तों, इन दोनों कोच के बोगी में लगा प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम तो सेम होता है, बट सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम अलग अलग होते हैं। ICF कोच में सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम स्प्रिंग का ही बना होता है, जिसे दोनों प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम के बीच में ऊपर लगाया जाता है। लेकिन LHB कोच में सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम एयर बैग से बनाए जाते हैं, जिसमें बैग के अंदर कंप्रेस्ड एयर को भरकर उसके ऊपर कोच को रखा जाता है, जिससे LHB कोच के अंदर वाइब्रेशन बहुत कम होती है। दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में आपने इंडियन रेलवे के कोच में यूज होने वाले सस्पेंशन सिस्टम के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।